कि मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप हमें पहचानते हैं। पहचान कौन? हुमायूं मुग़ल जापान से आपकी हिदमत में आदाब अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आप देख रहे होते हैं मेरे ख़ास तौर पर भतीजियाँ बच्चे भांजियाँ भाजियाँ, वो कह रहे होते हैं कि मुग़ल साहब है तुम्हें कितने टिकटॉक शुरू कर दिए थे, बच्चा का कम है, जवाना का कम है। तो मैंने कहा बच्चे का कम है, हमारे अंदर भी एक बच्चा मौजूद है। कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, तो इंसान के अंदर चाहे वो 60 साल का हो जाए, 70 का, 80 का, 90 का, उसके अंदर एक बच्चा ज़रूर रहता है। और मैं आपसे एडवाइस है कि अपने बच्चे को ना हमेशा उसे खिलाते रहें, उसके साथ इंजॉय करते रहें। अगर वो आपके अंदर का बच्चा मर गया तो समझ लें कि आपकी जो रूहानियत जो है ना वो सारी डिपेंड ही उसके ऊपर करती है कि आप जो है कितने इनोसेंट मासूमियत अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर एक स्माइल पैदा करें। और हमेशा मैं स्माइल के ऊपर आपको एक फोटोग्राफ्स भेज रहा होता हूँ, कुछ वीडियो बना के भेज रहा होता हूँ। तो इंसान के अंदर का जो बच्चा है ना ये हमेशा रहता है, हर एक के पास है। ये नहीं कि आप देख लें हमारे बड़े बड़े लोग हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, उनके अंदर का बच्चा उनको कैसा निकला है बाहर, उन्होंने वो कहते हैं सियासत सियासत खेल रहे थे, वो गेम ही समझ रहे थे ना। वो कहते हैं कैरम बोर्ड होता है, उसकी गिटियाँ इकट्ठे करके सियासत बना के असम्बली बनाई जाती है। उनको जब ये खेल पसंद नहीं है ना कि मैं नहीं खेलना, फटाई चुक देता है, चक दे फटे उन्होंने, तो वो तोड़ दिया असम्बली। और सियासत में मैं हमेशा बात तो नहीं करता कि किसी की वो साइड लेनी पड़ जाती है फिर, तो जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि आप मिडल में रहें, साइड नहीं लेने, लेकिन हकीकत की बात करें। तो अपने अंदर का जो बच्चा है ना उसे हमेशा आप कोशिश करें लोगों को दिखाएं, ये ना करें कि अपने अंदर एक खोल चढ़ा लें, अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा लें कि मैं मुफ्ती हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। ठीक है, वो आपका एक स्टेटस है, लेकिन आपके अंदर का जो बच्चा है ना लोग उसको जानना चाहते हैं। और मेरी तो ख्वाहिश यही है कि लोगों को जो है ना मैं अपनी मासूमियत के अपने अंदर मैं नेचुरल आपके सामने बात कर रहा होता हूँ। सीरियस बात करनी है तो वो मैंने फिर ना अपने यूट्यूब चैनल पर, उस पर चले जाएँ, आपको जैपनीज़ में, इंग्लिश में, उर्दू में, हर किस्म के मैसेज मैंने वो जो होता है ना कि 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो, तो वो सारे जो है ना मेरे YouTube चैनल पे हैं। तो आपसे गुजारिश है अपने दिल तो बच्चा है जी, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा खिलाते रहें, पालते पोसते रहें, लेकिन उसको बालक ना होने दें। जैसे ही वो बालक होगा समझ लें कि आपकी जितनी खुशियाँ हैं ना आपकी टेंशनें बढ़ती जाएंगी। आप कहते हो कि लोग पूछते हैं मुग़ल साहब तुम खुश क्यों रहते हो, मैं कहते खुश रहो आबाद रहो, भावें इतने रहो दे भावें इस्लामाबाद रहो, यही है खुश रहने का मसला है। मैं अपने अंदर का जो बच्चा है ना उसको मैं तंग नहीं होने देता, उसको इंजॉय करने देता हूँ। कभी पींगा चूल्हे चूड़, कभी आप फ्लावर के साथ खेलो, लोगों के साथ गपशप लगाओ, लेकिन सीरियस बात करने के लिए ना अगर आपको बात सुननी है तो मेरा यूट्यूब चैनल है हुमायूं मुग़ल, मुग़ल टीवी के नाम से कुछ 10 साल से मैं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जैपनीज़ के लिए बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी कोशिश होती है कि अपने पाकिस्तानी भाइयों को भी इंटरटेन भी दो। तो इन्जॉय करें, खुश रहो, आबाद रहो, भावें इतने रहो थे भावें इस्लामाबाद रहो। हुमायूं मुग़ल हमेशा आपको खुशियाँ बखेरता रहेगा। आपको एक मैसेज कोशिश कर रहा हूँ कि डेली जो है ना आपको 2-3 मिनट का मैसेज जितने मेरे दोस्त हैं उनको पहुँचता जाए, अमेरिका में, पाकिस्तान में, जापान में, जहाँ पे भी हैं, सब रहो खुश आबाद रहो। हुमायूं मुग़ल जापान।